And welcome to my channel, English with Asmita. If you're new to my channel, go subscribe my channel for more tips on spoken English. This video is about daily use sentences. ये sentences आप अपने daily life में use करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी आप उन्हें English में कैसे कहेंगे. So let's get started. पहला sentence है हमेशा के लिए. हमेशा के लिए. आप उसको कहेंगे forever. English में हमेशा के लिए को कहते हैं forever. उसके बाद है किसी भी कीमत पर. किसी भी कीमत पर. आप उसको कहेंगे at any cost. At any cost. उसके बाद है मेरा विश्वास करो. मेरा विश्वास करो. उसकी इंग्लिश है बिलीव मी. बिलीव मी. आप उसको कह सकते हैं ट्रस्ट मी. तो दोनों में से जो भी आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं. तो आप कहेंगे बिलीव मी या ट्रस्ट मी. उसके बाद है जैसे को तैसा. जैसे को तैसा. आप उसको इंग्लिश में कहेंगे टिट फॉर टैट. टिट फॉर टैट. उसके बाद है तमीज से पेश आओ. तमीज से पेश आओ. उसको आप इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योरसेल्फ. बिहेव योरसेल्फ. अगला सेंटेंस है अनदेखा करना सीखो. अनदेखा करना सीखो. उसको आप कहेंगे लर्न टू इग्नोर. लर्न टू इग्नोर. अगला सेंटेंस है कुछ खास नहीं. कुछ खास नहीं. आप उसको इंग्लिश में कहेंगे नथिंग स्पेशल. नथिंग स्पेशल. अगला सेंटेंस है आज बहुत गर्मी है. आज बहुत गर्मी है. आप उसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे. इट इज वेरी हॉट टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे बोलने दो. मुझे बोलने दो. आप उसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी स्पीक. लेट मी स्पीक. नेक्स्ट सेंटेंस इज शांत रहो. शांत रहो. आप उसको इंग्लिश में कहेंगे काम डाउन. काम डाउन. अगला सेंटेंस है कुछ तो बोलो. कुछ तो बोलो. उसको इंग्लिश में कहेंगे से समथिंग. से समथिंग. उसके बाद है अंदर ही रहो. अंदर ही रहो. उसको इंग्लिश में कहेंगे स्टे इनसाइड. स्टे इनसाइड. उसके बाद अगला सेंटेंस है बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. आप उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रिलियंट या एक्सलेंट. ब्रिलियंट या एक्सलेंट. ये कुछ शब्द हैं जो आप डेली यूज में यूज करते हैं. अगर आपको ये पसंद आए और आप और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. Have a good day and I will see you later.